हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं डॉक्टर नौशीन आपका स्वागत करती हूँ आपके ही अपने चैनल में। दोस्तों मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में, पेप्टिक अल्सर के बारे में, ये क्यों हो जाता है और उसकी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी हैं। दोस्तों अल्सर जो वर्ड है उसका मतलब होता है छाला, मतलब कोई ज़ख्म हो गया या फिर कोई घाव हो गया है। गैस्ट्रो मतलब होता है पेट, तो मतलब गैस्ट्रिक अल्सर मतलब ये है कि आपके पेट में कोई जख्म हो गया है, छाला हो गया है। पेप्टिक अल्सर क्या होता है दोस्तों? पेप्टिक अल्सर रेफरेंस किया गया है, मतलब लिया गया है पेप्सिन से, जो कि पेप्सिन आपके खाने को पचाने में मदद करता है, मेनली प्रोटीन को पचाने में पेप्सिन मदद करता है। अब पेप्टिक अल्सर जो होते हैं दोस्तों, दो तरीके के होते हैं। ये आपके पेट में भी हो सकते हैं, ये आपकी आंतों में भी हो सकते हैं, मतलब गैस्ट्रिक अल्सर भी हो सकता है, ड्यूडेनल अल्सर भी हो सकता है। जब कोई आपसे कहे ना कि उनको पेप्टिक अल्सर है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो पेट में है या फिर उनकी आंतों में है। तो यही डिफरेंस है गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर में दोस्तों। अब ये क्यों हो रहा है, ये अल्सर, ये ज़ख्म क्यों हो रहा है? नॉर्मली दोस्तों क्या होता है, नॉर्मल डाइजेशन पे मैंने ऑलरेडी अपनी एक वीडियो बनाई है, आप चेक कर सकते हैं। जब नॉर्मली आप खाना खाते हो, तो जब आपका खाना आपके पेट में पहुँचता है, तो उसमें से निकलता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके खाने को पचाने में मदद करता है, और अगर खाने में कोई बैक्टीरिया होगा तो उसको वहीं के वहीं मार देगा। ये एसिड बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, ताकि अच्छे से बैक्टीरिया को मार सके और आपके खाने को पचाने में मदद कर सके। अब इस HCl से आपके पेट को बचा के रखती है म्यूकोजा लेयर। म्यूकोजा लेयर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है आपके स्टोमक की, आपके पेट की एक सुरक्षा कवच होती है, जो आपके पेट को बचा के रखती है HCl से। अब जब यही म्यूकोजा लेयर किसी वजह से हट जाएगी, मतलब किसी वजह से उसमें छेद हो जाएगा, जैसे किसी कपड़े में छेद हो जाता है, साफ आपके अच्छे कपड़े में दिखता है कि उसमें एक पैबंद लग गया है, तो अभी इसमें अगर किसी वजह से कोई छेद हो जाए, कोई ज़ख्म हो जाए, तो आपका जो HCl है डायरेक्ट पेट के कांटेक्ट में आने लगता है। डायरेक्ट पेट के कांटेक्ट में आने की वजह से आपको हो जाता है गैस्ट्रिक अल्सर, क्योंकि आपकी जो प्रोटेक्टिव लेयर है, आपका सुरक्षा कवच पेट में से हट गया है और स्टोमक के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया है, इसलिए आपको पेट में ज़ख़म हो गया है, जिसको हम गैस्ट्रिक अल्सर के नाम से जानते हैं। अब ये ज़ख़म दोस्तों पेट में हो गया है, तो हमने इसको गैस्ट्रिक अल्सर कह दिया, क्योंकि आपकी एक म्यूकोजल लेयर हट गई है, राइट। अगर यही आपकी आंतों में हो जाता है, आंतों में मेनली जो आपकी छोटी आंत का पहला पार्ट होता है, ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट, उसी में होता है ये अल्सर, तो उसको ड्यूडेनल अल्सर कहा जाता है दोस्तों। तो आप पेट में कोई ज़ख्म हुआ है, तो ऑब्वियसली सी बात है, आप जैसे ही खाना खाओगे तो आपके पेट में दर्द होने लगेगा, क्योंकि आपके खाना जो है स्टोमक में गया है, HCl और ज़्यादा रिलीज होने लगा है, क्योंकि खाने को पचाने में उसको मदद करनी है। तो वैसे ही आपको जैसे ही खाना खाते हो, तो गैस्ट्रिक अल्सर में आपको पेट दर्द होता है, पर ड्यूडेनल अल्सर में खाना खाने पर दर्द नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपने खाना खाया, खाना अभी आपके पेट में है, HCl वहाँ पर ही वर्क कर रहा है खाने को तोड़ने में, अभी आंतों तक नहीं पहुँचा है खाना, इसलिए जब आप खाना खाते हो तो ड्यूडेनल अल्सर में आपको राहत पहुँचती है। मतलब पेशेंट कहता है कि जब वो खाना खाता है, जब भी उसको अच्छा लगता है, मतलब उसको ड्यूडेनल अल्सर है। जब खाना खाता है आपको पेट में दर्द होता है, मतलब आपको गैस्ट्रिक अल्सर है, क्योंकि गैस्ट्रो इज रिलेटेड टू स्टोमक, यानी आपका पेट, समझ गए आप? गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर का डिफरेंस। अब ये गैस्ट्रिक अल्सर में पेट दर्द होता है, तो डेट्स वाय इसमें क्या होता है कि पेशेंट को कभी कभी गैस्ट्रिक अल्सर वाले को, क्योंकि पेट और वोमिटिंग जो है स्टोमक का बहुत ऊपरी हिस्सा है, तो जैसे ही आप गैस्ट्रिक अल्सर में मोस्टली वोमिटिंग कॉमन होती है, कि पेट दर्द होता है तो पेशेंट वॉमिटिंग कर देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि उनका ज़ख्म ज़्यादा गहरा हो जाता है, वहाँ पर ब्लीडिंग होने लगती है, तो वॉमिटिंग में से भी ब्लड आने लगता है। अब उनका वज़न भी घटने लगता है, क्योंकि और उनको भूख भी नहीं लगती है, क्योंकि उनको पता है कि जब वो खाना खाएंगे तो उनको पेट में दर्द होगा, इट्स गैस्ट्रिक अल्सर। अब जो ड्यूडेनल अल्सर में क्या होता है, आपको एक दो घंटे बाद दर्द होता है, या फिर रात में दर्द होगा। क्यों?
अब खाना जब तक पेट में था तो पेट में दर्द हो रहा था, अब जैसे ही खाना आंतों में उतरा तो वहां पे दर्द होने लगेगा, वहां पे उसकी प्रोसेस चलने लगेगी डाइजेशन के लिए। तो ड्यूडेनल अल्सर में क्या होता है, नाइट पेन कॉमन होता है। तो कुछ पेशेंट कहते हैं कि जब वो खाना खाते हैं उनको दर्द नहीं होता है, रात के वक्त उनको दर्द होता है। इट्स अ ड्यूडेनल अल्सर की मतलब जब जैसे ही खाना रात के वक्त उनके आंतों में पहुंचा, पर जिस भी वक्त उनका जैसे भी जो डाइजेशन प्रोसेस चल रहा है एक दो घंटे बाद दो तीन घंटे बाद नीचे पहुंचा, तो उनको दर्द होने लगता है ड्यूडेनल अल्सर में। ड्यूडेनल अल्सर में क्या होता है दोस्तों, क्योंकि वो आंतों से जुड़ा हुआ है और आंतों से आपकी क्या जुड़ी रहती है, आपकी टॉयलेट, आपका स्टूल जुड़ा रहता है, तो कई बार अगर वहाँ जख्म हो जाता है तो आपके टॉयलेट में से भी खून आने लगता है, तो ये सारे सिम्टम होने लगते हैं। अब गैस्ट्रिक अल्सर में अल्सर है, ऑब्वियसली सी बात है, HCl ज़्यादा बन रहा है तो आपको एसिडिटी होगी, खट्टी डकार है, सीने में जलन, पेट भारी भारी होगा, तो ये सारे सिम्टम्स भी आपको रहते हैं। अब ये सब चीज़ें क्यों हो गई हैं आपको, सबसे पहला मोस्ट कॉमन कॉज मैं आपको हमेशा बताती हूँ, स्ट्रेस इज द वर्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज। जैसे ही आप स्ट्रेस लेते हो, एंजाइटी में होते हो, टेंशन लेते हो, तो आपका HCl ज़्यादा होता है रिलीज। स्ट्रेस लेने की वजह से आप रातों को सोते नहीं हो, स्ट्रेस लेने की वजह से आप हर कभी कुछ भी खाने लगते हो, स्ट्रेस लेने की वजह से आपको अगर कोई दर्द हुआ है, हेडेक हुआ है, सर दर्द हुआ, तो आप पेन किलर्स लेने लगते हो, तो अननेसेसरी जो दवाइयां आप लेते हो जो कि आपके शरीर को ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन आप दवाएँ लेते हो, उस वजह से भी आपको गैस्ट्रिक अल्सर की समस्या हो जाती है। खाली पेट चाय कॉफ़ी पीने लगते हो बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, तो आपको गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर की समस्या हो जाती है। आपको स्मोकिंग की आदत है, आप धूम्रपान करते हो, आप शराब पीते हो, तो आपको गैस्ट्रिक अल्सर की समस्या हो जाती है। तो ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं कि आपको कहीं ना कहीं टेंशन हुआ है, तनाव हुआ है, स्ट्रेस हुआ है, इस वजह से आपको ये सब चीज़ें हो रही हैं और हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया है। ऑल्सो इसका एक और बहुत अच्छा मोस्ट कॉमन कॉज होता है एच पायलोरी बैक्टीरिया। अभी एच पायलोरी बैक्टीरिया आपके शरीर में पहुंचा कैसे, एच पायलोरी बैक्टीरिया ऐसे पहुंचा आपके शरीर में कि आपने बाहर कोई ऐसे कंटामिनेटेड यानी दूषित खाना, दूषित पानी पी लिया है जो कि आपको नहीं पीना चाहिए। आपको पता तो नहीं है बाहर कैसा खाना बन रहा है, बाहर कैसा पानी बन रहा है, तो ऐसे में आपको एच पायलोरी बैक्टीरिया बाहर के ही दूषित खाने, बाहर के ही दूषित पानी, कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड वाटर से आपके पेट में चला जाता है। अब जब ये पेट में चला जाता है तो म्यूकोजल एयर को सबसे पहले उसमें छेद करता है, म्यूकोजल एयर का दुश्मन है, जो आपके लिए प्रोटेक्शन कर रहा है वो एच पायलोरी उसमें छेद कर देता है और HCl डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में देता है और HCl डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आने लगता है आपके। अब क्या करना चाहिए आपको, कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आपको इन सब से राहत पहुंचाएंगी। सबसे पहली मेडिसिन दो मदर टिंचर आप लेकर आ जाइए, विच इज़ ग्रेनियम मैकुलेटम एंड ऑर्निथोगेलम। दो मदर टिंचर आप लेकर आ जाइए अगर आपको गैस्ट्रिक अल्सर की समस्या है या फिर ड्यूडेनल अल्सर की समस्या है, ऑर्निथोगेलम एंड ग्रेनियम मैकुलेटम के मदर टिंचर लेकर आ जाइए। ये दो मदर टिंचर आपके स्टोमक अल्सर, जो भी आपके दर्द है, खूनी वोमिटिंग दर्द, ये सारी समस्याओं को ठीक करने में मदद करते हैं। ऑर्निथोगेलम का मदर टिंचर आप स्टार्टिंग में ही लेंगे, ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में ही रिजल्ट देना शुरू कर देता है ऑर्निथोगेलम का मदर टिंचर। हाफ कप पानी में स्टार्टिंग में आप सुबह शाम लेना स्टार्ट करेंगे, वंस अ वीक, एक ही हफ्ते में आपको रिजल्ट देना शुरू कर देता है, तो इसको ज़्यादा रिपीट नहीं करना है ऑर्निथोगेलम मदर टिंचर को। गैरेनियम मैक्यूलेटम आप स्टार्ट करिए, ये दोनों मदर टिंचर आपको स्टार्ट करना है आपके स्टोमक अल्सर और पेप्टिक अल्सर के लिए। और क्या करना है आपको, अलोंग विद जो आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, इस जो मैं आगे मेडिसिंस बताऊंगी वो मेडिसिंस इसके साथ आपको साथ में लेना है 30 और 200 पोटेंसी में स्टार्टिंग में। द थर्ड होम्योपैथिक मेडिसिन काली बाइक्रोम। दोस्तों काली बाइक्रोम इतनी वंडरफुल मेडिसिन है स्टोमक अल्सर्स के लिए। आपके पेट में बहुत गहरे गहरे जख्म हो गए हैं, गहरे जख्म की वजह से जैसे ही आप खाना खा रहे हो वैसे ही आपको पेट में दर्द हो रहा है। अब जैसे ही खाना खाओगे वैसे ही पेट में दर्द होगा, तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप खाना ना खाओ, तो ये सब सिम्टम इज लॉस ऑफ एपेटाइट। अब आपको ऑब्वियसली सी बात है, आप खाना नहीं खाओगे तो आपका वजन कम होगा, इज वेट लॉस सिम्टम, और आपको ऐसा लगेगा आपका डाइजेशन तो पूरी तरीके से स्टॉप हो गया है। खाने की बात, पीली येलो कलर की, गोल्डन येलो कलर की आपको वॉमिटिंग होगी, पानी आपको बिल्कुल पसंद नहीं होगा, मीट तो आप बिल्कुल ही डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे,
बहुत अच्छी सिम्टम, बहुत अच्छी मेडिसिन होती है काली बाइक्रोम गैस्ट्रिक अल्सर के लिए दोस्तों। ऑल्सो इसमें एक और सिम्टम होती है, पेशेंट कहता है फिंगर पॉइंट से यहाँ दर्द हो रहा है, जो उसका दर्द है विच इज़ कवर्ड बाय फिंगर टिप, उसकी फिंगर टिप से कहता है यहाँ दर्द हो रहा है। ऑल्सो एक और सिम्टम होता है इसमें कि बहुत सारे पेशेंट को कभी पेट में दर्द हो रहा है, कभी जॉइंट में दर्द हो रहा है, कभी मतलब कभी पेट का दर्द ठीक हो जाता है तो जॉइंट में होने लगता है, कभी जॉइंट का दर्द ठीक हो जाता है तो पेट में होने लगता है। तो वंडरफुल मेडिसिन है अल्सर्स के लिए इस काली बाइक्रोम। ओके, अगर आपको ये सिम्टम हो, तुरंत खाना खाने के बाद दर्द हो, तो आप ये ले सकते हैं। दूसरी जो मेडिसिन इज नक्स मॉस्कट, होम्योपैथिक दवा है नक्स मॉस्कट। पेशेंट ऐसा हो जाता है बिल्कुल सुस्त सा दोस्तों, मदहोश। जब कोई बीमार होता है ना, उसमें दो तरीके के सिम्टम्स आते हैं, या तो बहुत चिड़चिड़ा टाइप का हो जाएगा, या तो ऐसा पड़ा रहेगा कि आपको भी फिक्र हो जाएगी कि क्या हो गया, इतना बेहोश सा पड़ा है। तो नक्स मॉस्कटा का पेशेंट क्या होता है, बहुत बेहोश सा पड़ा रहता है, सुस्ती, नींद, हर वक्त ऐसा मदहोशी में पड़ा रहता है। ऑल्सो इसमें भी यही प्रॉब्लम है कि खाने के तुरंत बाद दर्द, या फिर खाते खाते ही उसको दर्द होने लगेगा, या फिर थोड़ा सा भी ज़्यादा खाना खा लेगा नक्स मॉस्कटा वाला पेशेंट तो उसके पेट में भारीपन सा लगने लगेगा, पेट फूला फूला सा महसूस होने लगेगा नक्स मॉस्कटा वाले पेशेंट को। ऑल्सो इसमें क्या होगा कि जैसे ही ज़्यादा खाना खा लेगा तो उसमें सर दर्द की समस्या होने लगेगी नक्स मॉस्कटा वाले पेशेंट्स को। अगर आपको ये सिम्टम्स होते हैं तो अलोंग विद दोज मेडिसिन आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। द थर्ड होम्योपैथिक मेडिसिन ऑल्सो आप ले सकते हैं, इट्स नक्स वोमिका। नक्स वोमिका बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। ऑल्सो मैंने आपको कई बार बताया है, द मास्टर मेडिसिन होती है ये मेडिसिन पेट के लिए सारी समस्याओं की। जो आजकल का जो टाइम चल रहा है ना, वो नक्स वोमिका का ही चल रहा है दोस्तों, कि नक्स वोमिका वाला पेशेंट मेंटल वर्क ज़्यादा करता है, फिजिकल वर्क नहीं करता। बिकॉज ऑफ फिजिकल इनएक्टिविटी वो क्या करता है, ज़्यादा मेंटल मैटर पर, लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर वर्क, रात रात भर देर तक जागेगा, स्ट्रेस लेगा, टेंशन लेगा, हर कभी चाय पी लेगा, हर कभी कॉफ़ी पी लेगा, टेंशन में रहेगा, स्ट्रेस में रहेगा, चिड़चिड़ा, झगड़ालू, गुस्सा करने वाला, ये नक्स वोमिका वाला पेशेंट हो जाता है। इसमें क्या होता है, नक्स वोमिका वाले पेशेंट को खाने के एक दो घंटे बाद दर्द होता है। मींस मैंने आपको क्या बताया था, ड्यूडेनल अल्सर में ये प्रॉब्लम हमेशा रहती है कि रात के टाइम वक्त होगा, या फिर जैसे ही आपका खाना हजम हो जाएगा उस वक्त आपको पेट में दर्द होता है। तो इट्स द आफ्टर 1 to 2 hours बाद जो आपके पेट में दर्द होता है वो मेडिसिन है नक्स वोमिका। आपको ऐसे लगेगा पेट में कोई पत्थर रखा है, इसलिए आप कपड़े भी बहुत ढीले पहनने लगोगे नक्स वोमिका में। टेंशन की वजह से, चिंता की वजह से, रात रात भर जगने की वजह से, हर कभी अल्कोहल, सिगरेट, शराब, स्पाइसी फूड, या हर कभी चाय कॉफ़ी पीने की वजह से जो आपके पेट में समस्या हुई है, इट्स अ नक्स वोमिका। आपको कब्ज की भी समस्या हो गई है, आप सुबह जैसे ही उठते हो खट्टी और कड़वी डकारें आती हैं, सुबह जैसे ही उठते हो मन बहुत उदास रहता है। जिस वक्त आपका पेट में दर्द होता है, खाने के एक दो घंटे बाद जो दर्द होता है, उस वक्त आप कोई भी काम नहीं कर पाते हो, इट्स अ नक्स वोमिका। अनोदर जो वंडरफुल मेडिसिन है जो आपके गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर ठीक करने में मदद करेगी, इट्स अ बिस्मथ। अगर आपको किसी ऑपरेशन के बाद ये समस्या पैदा हो गई है तो आप बिस्मथ लीजिए। क्यों होता है बिस्मथ वाले पेशेंट को दोस्तों, पानी पिएगा ना तुरंत वॉमिटिंग हो जाएगी, पर अगर कोई सॉलिड फूड लेगा, जैसे रोटी खा ली, कोई भी सॉलिड फूड ले लिया, वो पेट में रह जाता है। तो पेशेंट ऑल्सो सरप्राइज रहता है कि पानी बाहर आ रहा है, सॉलिड फूड बाहर नहीं आ रहा है। तो यही उसका सिम्टम रहता है कि पानी जैसे ही पिया बाहर आ गया, उल्टी से बाहर आ गया, पर अगर सॉलिड फूड खाता है तो वो पेट में रह जाता है। पेशेंट ऐसा हो जाता है कि अकेलापन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता, बिस्मत वाला पेशेंट। आपको चाहिए कि आपका हाथ पकड़ के रखेगा, इस तरीके का पेशेंट हो जाता है बिस्मत वाला। ऑल्सो ऑपरेशन के बाद जो आपको अल्सर्स की समस्याएं हुई हैं वो ठीक करने में मदद करता है बिस्मत वाला पेशेंट। अब बिस्मत और आर्सेनिक को कैसे डिफरेंस करेंगे, आर्सेनिक एल्बम वाली पेशेंट क्या है, बिस्मत में क्या था, पानी बाहर आ रहा था पर सॉलिड फूड रह रहा था, पर आर्सेनिक एल्बम को क्या है, पानी भी बाहर आ रहा है, सॉलिड फूड भी बाहर आ रहा है, पेशेंट के पेट में तो आग लगी है ऐसा महसूस होता है, द लाइक फायर, ऐसे बर्निंग और जलन महसूस हो रही है। अब आपने देखा है हमेशा कि जब भी आग होती है तो पानी से बुझ जाती है ठंडे पानी से, पर इसकी आग नहीं बुझ रही है आर्सेनिक एल्बम वाले की। आर्सेनिक एल्बम की जो आग है ठंडे पानी से नहीं बुझती, अगर उसे ठंडा पानी गलती से पी भी लिया ना, ठंडा पानी उसके पेट में पत्थर की तरह लगता है, उसकी जो गर्मी है वो गर्मी से ही मिटती है, गर्म चीज़ से ही मिटती है, पानी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए पानी को हमेशा सिप सिप्स करके पीता है।
पेशेंट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। अर्सनिक एल्बम वाले पेशेंट्स को क्या होता है कि खाने की तरफ वो ऐसा हो जाता है कि उसको खाने की तरफ देखना भी पसंद नहीं है और ना खाने की स्मेल पसंद है, क्योंकि अब बताइए अब उसको अल्सर हो गया तो उसको ऐसी समस्या हो गई, ना खाना देखना पसंद ना खाना सूंघना पसंद। मेंटली मानसिक रूप से इतना ज़्यादा बेचैन है, मेंटली बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है, पर फिजिकली तो वीक है, फिर भी ऐसा लगता है कि करवटें बदलेगा। पेशेंट को ऐसे लगने लगा है कि अब दवा खाना तो बिल्कुल बेकार है, वो तो बिल्कुल ठीक ही नहीं हो पाएगा। इसकी जो सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं हमेशा मिड नाइट में ही बढ़ती हैं इसकी प्रॉब्लम, जैसे 12 से 2 बजे के टाइम पे या फिर सुबह 1 से 2 बजे के टाइम पे ही इसकी प्रॉब्लम बढ़ती हैं, अर्सनिक एल्बम वाले पेशेंट्स की प्रॉब्लम। अगर उसने कोई ठंडी चीज़ खा ली, आइसक्रीम खा ली या कोल्ड ड्रिंक्स पी ली या जो भी ठंडी चीज़ें अगर वो खा लेता है तो उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। इट्स अ मेडिसिन इज आर्सनिक एल्बम। आलूदम जो वंडरफुल मेडिसिन है जो आपके गैस्ट्रिक अल्सर पेप्टिक अल्सर को ठीक करने में मदद करेगी, इट्स एनाकार्डियम। दोस्तों एनाकार्डियम वाला पेशेंट क्या होता है, उसमें ये प्रॉब्लम होती है कि वो जैसे ही खाना खाएगा उसको अच्छा महसूस होगा। जब तक डाइजेशन की प्रोसेस चल रही है उसको जब तक अच्छा महसूस होगा, इट्स एनाकार्डियम पेशेंट। दोस्तों जैसे ही खाना हजम हुआ अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगा बहुत पेट में खाली खालीपन। तो ऐसा मैंने आपको किसमें बताया था कि जब तक खाना पेट में जब तक अच्छा लग रहा है, इट्स अ ड्यूडेनल अल्सर में। तो ये कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो आपके अल्सर्स को ठीक करने मदद करती हैं। ऑल्सो अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन होती है, पेशेंट दुबला होता चला जाता है इस अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन में। साथ ही साथ आपको एक डाइट चार्ट भी फॉलो करना है, जो डाइट चार्ट मैं बता रही हूँ आपको मेरी एक और वीडियो में आप चेक कर लीजिएगा। डाइट चार्ट के साथ साथ गैस्ट्रिक अल्सर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेडिसिन के साथ साथ सही आपकी डाइट, सही आपका खान पान होना ज़रूरी है ताकि आपका जो अल्सर है वो हील हो जाए और आपकी फिर से लेयर्स बन जाए। तो वो डाइट चार्ट आप मेरा चेक कर लीजिएगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, दूसरों को भी शेयर करिए ताकि उनकी भी मदद हो सके। अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर।